ये बहुत अच्छी चीज भेजी है, इसकी बहुत जरूरत रहती है। ये जी जाके टेस्ट कराते हैं घर वालों को कैसी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। आज जी मैं बना रही हूँ दाल चावल, दाल मूंग और दाल चना। ये हर चीज़ इकट्ठी डाल के ना इसको मैं लगा रही हूँ प्रेशर कुकर में, और मैं जा रही हूँ अपने बेटे के स्कूल, वहाँ पे टीचर मीटिंग है। और बस आज दिल कर रहा है कि जी रमज़ान में दाल चावल बनाए जाएँ। चल बिल्कुल इसे जल्दी कर। ये बस मैं चूल्हे पे चढ़ा जाऊंगी, 12 मिनट बाद इन खोल छोड़ना, ठीक है। चूल्हा लाजमी बंद कर छोड़ना, खोलो ना खोलो, ठीक हो गया ना। गाइज़ आई लव माई होम, और मैं हमेशा अपने व्लॉग का स्टार्ट अपने लॉन से करती हूँ, अपने घर से करती हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं स्टार्ट जो है ना अपने फ्रंट लॉन से लूँ या अपने घर के किसी कोने से लूँ। यहाँ पे ये देखिए ये कुछ आया है खास, ये जी मेरी बहुत प्यारी दोस्त है। मैं जी गर्मियों के कपड़े फोल्ड च कर तले रख के जोड़े बना के ताकि मैं उन्होंने की मुड़ बदे पे रखने नहीं, क्या करो तो सर्दियों के उत्ते रखे वो पेटी कंबल तौलिए तौलिए थार ते रखो, ठीक है ना। ये आजकल गाइस हमारा जो फैलाए ज्यादा फैलाओ है, हाँ हुसैन को टेम्परेचर और ट्यूशन पे नहीं गया, तो आजकल जो हमारा ज्यादा फैलाओ हुआ है ना वो इन्हीं चीजों का हुआ कि सर्दियों के सारे कपड़े रख दिए जाएं और गर्मियों के निकाल दिए। ज्यादा फैलाओ आजकल हमारा यही है, जब रखने लगेंगे फिर आपको दिखाएंगे। और अभी अभी एसएस भाई जान की जी आई है कॉल कि उन्होंने कोई स्पेशल मटन पुलाव विद वेजिटेबल बनाया है, तो वो हम आके उसके घर खा ले। और मैंने कहा नहीं, मैंने दाल चावल बनाया। वो कह रहा दाल चावल लेके ना, चुप कर जा मिट्टी, चुप कर जा, ये चुप बोले फिर बोलते हैं, ये नहीं चुप होगा, मैं दूर होंगी तो ये चुप होगा। तो बस ये है कि वो आ जाएगा महबूब लेके। यहाँ पे जी ये चादरों को बार बार साफ करवाना पड़ जाता है। टॉम और बेला जी ऊपर रेस्ट फरमाते हैं, और ये बुशरा जो है इसको ऐसे फैला देती है, कहती साफ हो गया, अच्छी तरह छान डे, तलमी भी छान डे, उतली भी छान। जेड़ा बहिंदा ना सारे कपड़े खराब भेजे हैं। एसएस भाई जान ने हमें बुला रहे थे इफ्तारी पे, हम नहीं गई। स्पेशल राइस है, मटन, चने, वेजिटेबल्स, हर किस्म की वेजिटेबल्स हैं, बीच में मटन है, और बड़े मजे के ये राइस बने, और ये एसएस भाई जान ने खुद बनाए, बहुत टेस्टी बने हुए, थैंक यू जी। और ये जी मेरा बच्चा गया हुआ था ट्यूशन पे और वो ले आया, उन्होंने फिर भिजवा दी हमारे लिए, हम क्योंकि गए नहीं, और हमारी अपनी तो फिर दाल चावल बनी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल ब्लॉग गाइज। और यहाँ पे देखें जी हम बना रहे हैं खीर दूध दिलारी, और ये बन रही है स्पेशल बच्ची की फरमाइश, जिसका नाम है जी ईमान ज़ारा, मेरी भतीजी, और कल रात से आई हुई यहीं रही हुई, और उसने रोज़ा रखा, और उसकी एज है जी सिर्फ 10 साल। कितनी एज है आपकी ईमान, बताएं बेटा? 10 ईयर्स। और इसने रोज़ा रखा, उसने कहा खुपो मुझे इफ्तारी में खीर चाहिए, तो ये देखें जी इसके लिए खीर बनाऊंगी, और ऑलपर्स में बना रही हूँ, आप बना सकते हैं घर के दूध से भी। ये जी स्पेशल प्याले हैं, स्पेशल लकड़ी से बने हुए हैं, और इनके बड़े बेनिफिट्स हैं। किसी ने मुझे जब हमारी इफ्तारियां चल रही थी ना उन दिनों में गिफ्ट किए थे, बहुत वैसे देखने में भी बहुत प्यारे हैं, और बेनिफिट भी उन्होंने बहुत बताए हैं। अब हैं बेनिफिट्स या नहीं ये तो बाद की बात है, वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। यहाँ पर जी छोटे छोटे बच्चों ने रखी है रोज़ा, जिनमें जी अब्दुल्ला इधर सामने आओ, ये देखें जी ये छोटे छोटे बच्चे, इन्होंने रखा है रोज़ा, देखा इन्होंने रखा है रोज़ा, और इनके लिए स्पेशल पिज़्ज़ा, फ्राइज, बर्गर्स, और ये पास्ते के ऊपर से लग गया, इसको उतारो आज इफ्तारी बाहर से। ये जी इसके अंदर 1 लीटर जो है ना मिल्क मैंने ऐड कर दिया, और अब इसके अंदर ऐड कर दें गेहूँ, इसी खीर मिक्स का पैकेज, ये बड़ी मज़े की बनती है। मैं कई दफ़ा इसकी रेसिपी बता चुकी हूँ, अब और क्या रेसिपी बतानी, बस जेली वगैरह हम बनाएंगे और इसको इसके अंदर ऐड कर ये देखेंगे। इसका ये फायदा है कि ये खीर प्लस सेवियाँ और बड़ी मज़े की इसकी ना वो रेडी हो जाती है, बस ये बनती रहेगी, चम्मच हिलाते रहेंगे, स्लो आग पे इसको बनने देते हैं, और इसके ऊपर रेसिपी लिखी हुई भी है, बाकी आप इसके अंदर जो चीज़ें ऐड करना चाहें वो आपकी मर्जी। और ये देखिए ये जेली का पैकेट भी इसके अंदर से ही निकल आया। यहाँ पे देखिए जी साथ के साथ हमने जेली भी बना ली है दूसरे चूल्हे पर, बस हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि बाकी काम तो होना है स्लो। तो जनाब खीर तो होगी रेडी, ठंडी होनी रख दी, और साथ ही दिल कर रहा था हमारा कि हम कोई दाल चावल तो बनाएं। आज ही बच्चों की स्पेशल फरमाइश अपनी फूफो को यही थी कि उनके लिए पिज़्ज़ा मंगवाया जाए और बर्गर मंगवाया जाए और ये खीर, ठीक है। तो ये तो मैं बना रही हूँ, पिज़्ज़ा बर्गर उनके लिए मंगवाऊंगी, और साथ जो दाल वो ईजी रेसिपी मेरी होती है एज़ यूजल वो मैं बनाऊँगी। और यहाँ पर ये बन रहा है जी समोसों का मिसाला, वो सिंपल सी मेरी रेसिपी होती है, कोई ऐसा जितना कोई मुश्किल होता नहीं, और जो सिंपल होता है वो ज़्यादा टेस्टी बनता है जो मेरा ख्याल है, ज़्यादा मिसालों से हट के। आलू बॉयल और चने बॉयल और प्याज और चिकन बॉयल वो सारा मिक्स करके और अच्छा सा एक मिसाला, मतलब एक अच्छा सा एक बना लेंगे हम, जिससे फिलिंग करेंगे और हम समोसे बना के फ्रीज़ कर देंगे। आज हम बिल्कुल उनको फ्राई नहीं करेंगे, उनको हम करेंगे फ्रीज़। और यहाँ पे जी साथ ही भेजा है, यहाँ पे एक बड़े ज़बरदस्त गिफ्ट आया है हमारे मेरे लिए,
यहाँ पे देखेंगे ये कुछ आया है खास। ये जी मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं समरा, उन्होंने भेजा है। ये देखें वो गई हुई थी उम्र पे और वो क्या लाएंगे ये देखें जी। ये कोई स्पेशल खटाई भेजी हैं, साथ उन्होंने भेजी हैं जनाब ये देखें, वाओ ये खजूरें भेजी, खजूरें यूज़ हो जाएंगे रमज़ान में। और साथ में उन्होंने क्या भेजा है ये देखें जनाब, तस्बीह कैंडीज। और यहाँ पे क्या भेजा है, वाह जी वाह, मास्क ऑल पर्पस मॉइस्चराइजर मास्क, किस चीज़ के लिए देख, ये बड़ा ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छी चीज़ भेजी है, इसकी बहुत ज़रूरत रहती है। इंशाल्लाह ये अच्छा भी होगा, यूज़ करेंगे फिर मैं आपको बताऊँगी। और साथ में उन्होंने और खजूरें, और फिर और खजूरें, और साथ में उन्होंने आबे जमजम का पानी, ये देखें जी आबे जमजम भी भेजा है। और साथ में क्या भेजा है, वाओ ज़बरदस्त, ये जी कोई फेस वॉश भी उन्होंने मुझे साथ भेजा है, और साथ में भेजा है, चलें यही कुछ है। ये देखें जी ये सारी चीज़ें भेजी हैं समरा ने, समरा रुबाब जी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो उम्रे पे गई हुई थी, उन्होंने वहाँ से भेजा। थैंक यू सो मच समरा, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह आपके रिस्क में बरकत डाले और अल्लाह हमें भी उम्रे पे बुलाए, इंशाल्लाह हम भी जाएंगे इसी साल में। इसको चेक करें ये अंदर से कैसी है, इनकी शक्ल देख लेते हैं। चलो जी देखते हैं इसके अंदर क्या है। गाइस मैं खोल रही हूँ आपके सामने, पर आप देख लें मैं बहुत अनाड़ी हूँ, टेपें जब भी मुझे खोलनी पड़ती हैं ना बहुत मुश्किल लगती हैं मुझे, हर बंदे की अपनी कमज़ोरी, मेरी ये कि मेरे से ये टेपें नहीं खुलती। यमी ये डब्बा उन्होंने वो यूज़ किया है, ये खताइयाँ हैं कोई स्पेशल, अच्छी होंगी बच्चे खाएंगे। थैंक यू सो मच। ये जो जाकर टेस्ट कराते हैं घर वालों को कैसी है। डॉक्टर जखनी कुकीज़ बड़ी मज़े की हैं, डिफरेंट हैं, तहजीब की हैं, तहजीब पता नहीं कहाँ का, उसमें पता नहीं एक ही जैसी है, अंदर से कुछ निकलेगा बट डिफरेंट सा बीच में पीना है। बादाम तहजीब कहाँ का है, तो इस्लामाबाद वो उसके तो सब कुछ बहुत अच्छा है, चीज़ों से भी ज़्यादा वैल्यू भेजने वाले की है जिसने भेजा है, और उन्होंने वहाँ भी दुआओं में याद रखा जो मुझे दिल से जिस बात की खुशी हुई, और फिर उन्होंने यहाँ भी आके याद रखा और तबरकात वगैरह भिजवाए। अगेन थैंक यू समरा, अल्लाह आपको खुश आबाद रखे और आपकी दिली मुरादें अल्लाह मियाँ पूरी फरमाएँ। और ये जी हम लोग ये देखें जी हमारे विलेज में भी ना फूड पांडा आ गया, फूड पांडा नहीं आया गाइज, वो जो शॉप वाले हैं ना हमारा इतना लिहाज करते हैं कि उनको हमने फ़र्स्ट टाइम, वो पहले कहते थे कि अगर आपने कभी ऑर्डर करना हो तो कर दिया करें, हम आपको ना होम डिलीवरी देंगे। तो आज बच्चों की फरमाइश पर ना रोज़ा था, कोई जा नहीं सका, तो हमने उन्हें कहा पिज़्ज़ा पास्ता और बर्गर्स यहाँ पे घर भिजवा दें। तो ये रोज़े के इफ्तार से कुछ टाइम पहले ना उन्होंने ये हमें भेज दिए, ये देखें बड़ा ही ज़बरदस्त इनका पिज़्ज़ा, एक दो पहले भी आया था हम लोगों ने यहाँ का खाया है, मेज़बान का बहुत टेस्टी होता है, तो अभी भी अच्छा ही होगा, बच्चे खाएंगे तो बताएंगे। छोटे छोटे बच्चों ने रखी है रोज़ा, जिनमें जी अब्दुल्ला इधर सामने आओ, ये देखें जी ये छोटे छोटे बच्चे इन्होंने रखा है रोज़ा, हाय देखा इन्होंने रखा है रोज़ा, और इनके लिए स्पेशल पिज़्ज़ा फ्राइज बर्गर्स और ये पास्ते के ऊपर से लग गया, इसको उतारो। तो ये है जी माम की प्लेट, अभी मेरी प्लेट अभी नहीं बनी, लड़ो नहीं। यहाँ पे जी मेरे पास पड़े हुए नगेट्स, और ये मैं सोच रही हूँ ये भी बच्चों को ना मैं फ्राई कर दूँ, क्योंकि ना उनका आज मूड ही बाहर की चीज़ें खाने का है, जैसे उन्होंने पिज़्ज़ा खाना है बर्गर खाना, और फिर बच्चे देखें रोज़ा रखना इस एज में बड़ी बात होती है और बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए, वैसे तो उन्हें घर का खाना चाहिए, लेकिन आज उनकी स्पेशल फरमाइश पे जी उनके लिए सारी चीज़ें हमने बाहर से मंगवा ली हैं, और साथ ये नगेट्स मैं उनको घर के अंदर बना के दे रही हूँ। तो जनाब अब इन प्यालों की बात कर लेते हैं गाइस, ये प्याले जिसने मुझे दिए थे उस टाइम मैं बहुत बिजी थी इफ्तारियों में, वरना मैं उन्हीं की आवाज़ में आपको उनकी रिकॉर्डिंग सुना देती, वो इसके बहुत बेनिफिट बता रही थी बकौल उनके कि इससे शुगर भी ख़त्म हो जाती है, और ये जो दरख्त है उसके अंदर से इसी तरह गोल कटाई करके बनाए गए हैं, और मतलब कोई कुछ इसके ये पता नीम की लकड़ी के बने हुए आई थिंक उन्होंने मुझे बताया था, और स्पेशली गिफ्ट लाई हैं कि इसके अंदर अगर घर में किसी को शुगर है तो इसके अंदर पानी पिएँ, इसी के अंदर आप दूध पिएँ, इसी को यूज़ करें तो इसका बहुत फ़ायदा है। पाक पतन से बन के आए हैं, बड़े प्यारे हैं ये, वैसे देखने में भी बहुत प्यारे हैं, और ये स्पेशली शुगर वालों के लिए हैं, ठीक है, स्पेशल लकड़ी के बने हुए ये प्याले हैं, कहते हैं जी इससे शुगर ख़त्म हो जाती, ख़त्म होती है ये नहीं होती ये तो नहीं पता, लेकिन ये कि इसका कोई ना कोई बेनिफिट तो ज़रूर होगा इस इन प्यालों का। तो बस गाइज़ आजकल के टॉपिक तो यही होते हैं सहरी इफ्तारी, और बस कोई आ गया कोई चला गया, तो ये बस हमारा लाइट सा इफ्तारी में ये देखे थोड़े से दही भले
और साथ में कोई तली हुई चीज़ नहीं है और दाल चावल बने थे। एस एस भाई जान ने राइस भेजे थे। इसके साथ इतनी जी इजाज़त, उम्मीद करती हूँ ब्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।